जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले श्रीरामपुर की पवित्र भूमि पे बुलाने के लिए मैं अपने मित्र कामले साहब को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे लग रहा है कि हमारा इनका कोई पूर्वजन्म का रिश्ता है। इसके पहले भी मेरा कार्यक्रम हुआ था, नगर में हुआ था, तब भी कामले साहब हमारे साथ पूरे साथ में थे और आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे आप लोगों के बीच में बुला लिया, आप लोगों से थोड़ा संवाद करने का अवसर मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। यहां सभी बच्चों को मैं अपना आशीर्वाद भेंट करता हूं, बहने बैठी हैं, बहनों को प्रणाम करता हूं, सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं, छोटों से छोटों को अपना स्नेह भेंट करता हूं। जब जब बात एक देश एक विधान की आती है तो सबसे पहले एक ही बात समझ में आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जबकि सच्चाई है कि एक देश एक विधान बहुत सारे होने हैं। एक देश एक पुलिस विधान भी होना चाहिए, एक देश एक नागरिक विधान भी होना चाहिए, एक देश एक प्रशासनिक विधान भी होना चाहिए, एक देश एक न्याय विधान भी होना चाहिए, एक देश एक धर्मस्थल विधान भी होना चाहिए, एक देश एक कर विधान भी होना चाहिए। कहने का मतलब वन नेशन वन पुलिस कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड भी होना चाहिए, वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड भी होना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है, अगर किसी के चार बच्चे हैं और चारों बेटों के लिए पिता अलग अलग कानून बना दे तो बेटों में प्यार रहेगा क्या? बेटों में प्यार रहेगा क्या? भाई ठीक है, एक बेटा तू एक काम कर, तू 5 बजे सुबह उठना, दूसरा वाला तू 6 बजे भी उठ सकता है, तीसरा वाला तू 7 बजे भी सो उठ सकता है, चौथा वाला तू 8 बजे भी सो उठ सकता है। ऐसा विधान कहीं घर में होता है क्या? नहीं। जो विधान होता है सबके लिए एक होता है। घर में चार बहुए हैं, चारों बहुओं के लिए अलग अलग सास अगर अलग अलग विधान बना दे, चारों बहुओं में कभी एकता बन पाएगी क्या? नहीं। चार बेटियां हैं, पिताजी ने चारों के लिए अलग अलग विधान कर दिया, चारों बेटियों में कभी आपस में प्यार पर रहेगा क्या? नहीं। वैसे ही अगर भारत में चार संप्रदाय हैं या 5 संप्रदाय हैं और या 6 संप्रदाय हैं और सबके लिए अलग अलग विधान है, अपना अपना कानून है, हिंदू का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, क्रिश्चियन का अलग विधान, मुस्लिम्स का अलग विधान, तो आपस में प्रेम रहेगा कैसे? जैसे अलग अलग कानून से घर एक नहीं हो सकता, ऐसे अलग अलग कानून से देश कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग जब बार बार राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में एक विधान होता था। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है उत्तरकांड में, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है उत्तरकांड में, और भगवान राम ने उसको केवल प्रजा के ऊपर लागू नहीं किया, अपने ऊपर भी लागू किया। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, जबकि उसके पहले 3 शादी 4 शादी 5 शादी, दशरथ जी की 3 शादी हुई। मानव इतिहास में सबसे पहले एक देश एक जनसंख्या विधान, हम दो हमारे दो, ये लागू करने वाले भगवान श्री राम है। और उसको केवल उन्होंने जनता के ऊपर लागू नहीं किया, खुद भी लागू किया। राम जी के 2 बच्चे,
लक्ष्मण जी के दो बच्चे, भरत जी के दो बच्चे, शत्रुघ्न जी के दो बच्चे। और आज नहीं, अब से हजारों साल पहले। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो कौन सा नाम आता है? राम राज्य। पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल कहा गया, गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल है, उसको कहा जाता है राम राज्य। कोई भेदभाव नहीं। आज की डेट में तो मजदूर का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, मालिक का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, मंत्री का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, संतरी का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, क्लर्क का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, कप्तान का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, कांस्टेबल का बच्चा अलग स्कूल में जाता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में जाता है। उस समय भगवान राम ने बोला ना, गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण का बच्चा हो या क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो, स्कूल एक ही होगा, सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा। तो वन नेशन वन एजुकेशन कोड भी था, वन नेशन वन सिविल कोड भी था, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड भी था, और वन नेशन वन टैक्स कोड भी था। ये जो आज इतने सारे टैक्स चल रहे हैं, जीएसटी अलग चल रहा है, इनकम टैक्स अलग चल रहा है, टीडीएस अलग चल रहा है, वैट अलग चल रहा है, पहले ये सब नहीं था। व्यापारी वर्ग को केवल एक टैक्स देना होता था, वन टाइम, खत्म बात। ये दुनिया भर का टैक्स का मकर जाल नहीं था, न चार्टेड अकाउंटेंट, न जीएसटी डिपार्टमेंट, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, न टीडीएस, न वैट, न क्वार्टरली फाइलिंग, न कुछ नहीं। और यह व्यवस्था राम जी तक नहीं थी, यह व्यवस्था चंद्रगुप्त तक थी, यह व्यवस्था चाणक्य तक थी। इस देश में व्यापार की इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं, कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हुई, कभी ढंग से उस पर चर्चा ही नहीं हुई कि कितना हमारा व्यापार बढ़ सकता है। 50 साल पहले दुबई में कुछ था क्या? जोर से बोलिए जरा, था दुबई में कुछ? ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 50 साल में दुबई सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हो गया, सारे कारपोरेट ने अपना ऑफिस खोल दिया। 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि सिंगापुर दुनिया का सबसे हॉट डेस्टिनेशन हो गया? अरे हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ चीन, हम 1947 में आजाद हो गए, चीन हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ, 1949 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। ऐसा चीन ने क्या कर दिया कि देखते ही देखते हमसे बहुत आगे निकल गया? जापान ने ऐसा क्या कर दिया? हमने क्या किया? कभी इस पर गंभीरता के साथ चिंतन नहीं किया। व्यापार वहां फलता फूलता है जहां अधर्म नहीं होता, व्यापार वहां फलता फूलता है जहां लाइन ऑर्डर अच्छा होता है। सिंगापुर ने केवल एक काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और ला कानून बहुत कठोर बनाया। दुबई ने केवल एक काम किया, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और कानून बहुत कठोर बनाया। चीन ने केवल एक काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और कानून बहुत कठोर बनाया। जापान ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कानून बहुत कठोर बनाया। और अगर कानूनों की बात हो तो कानून कठोर होना चाहिए, ये सबसे पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है। सठे साठ्यम समाचरित, ये कहां का सिद्धांत है? जो जोर से बोलिए, कहां का सिद्धांत है? भारत का। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना लिया वो डेवलप हो गए, दुबई डेवलप हो गया, सिंगापुर डेवलप हो गया, चीन डेवलप हो गया, हमने नहीं पढ़ाया। विदुर ने लिखा हुआ है, बोला हुआ, हमने उसको सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। हमारे देश में केवल हमने एक काम किया होता, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कठोर कानून बना दिया होता, तो आज
हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। और आज भी मैं कहता हूं भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू कर दिया जाए, भारत के व्यापारी भारत की जीडीपी 2% अपने आप बढ़ा देंगे, उसमें किसी बाहर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं।